हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है और अब आप देखेंगे और उसके बाद आप कहेंगे ये भी है यहाँ पर। चलो चलते हैं। जीप के थ्रू मतलब रिजॉर्ट में है हम लोग और जीप के थ्रू जा रहे हैं। अब केरला स्टेट के मुन्नार में प्रकट नेचर रिजॉर्ट है जो कि यहाँ का टॉप लग्जरी रिजॉर्ट है और 12 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ हर कैटेगरी के रूम है, लेकिन शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इतना सही नहीं है, अभी आपको दिखाऊंगा तो आप कहोगे बाप रे बाप। सो यहाँ पे पूरा 5-स्टार वाला जो ब्रेकफास्ट होता है वैसा है, जूस है, शेक है, प्लस यहाँ पे ये आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग सिमलिया, केसरी, अवाल, स्पाइसी पोटैटो एंड बहुत सारी बड़ा है, इडली है, सांभर है, और इधर अगर आएंगे पूरी भाजी है, चाउमीन है, और पराठा है, छोले हैं, और आगे इधर आते हैं जो मेरा फेवरेट सेक्शन है। इधर अगर आप आते हैं बनाना है, सारे फ्रूट्स यहाँ पे मिलेंगे, और मफिन्स वगैरह अगर इधर देखेंगे तो मफिन्स हैं, केक्स हैं, और ये इधर ड्राई फ्रूट्स भी रखे गए हैं, फ्रूट केक भी है। सो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। सो और बाकी पीछे कॉर्नफ्लेक्स है, सैंडविच है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जितना आप मन करें थोड़ा थोड़ा सब चीज़ लें और टेस्ट करें, खाएं, यही तो मज़ा होता है यहाँ का। बाय द वे मैं अभी अपनी थोड़ी सी प्लेट भरने वाला हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद बारी थी इस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने की। जीप अपनी चल चुकी है और एक तरह से जीप सफारी का एक्सपीरियंस मिल रहा है पहाड़ों पर। बहुत तेज तेज स्टीयरिंग घूम रही है। मजेदार एक्सपीरियंस है। मजा आएगा इसमें भी आपको। तो ये बहुत सी चीजें इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको बोलते हैं जीप जीप ट्रंक। जीप के थ्रू आप यहाँ के सबसे निचले हिस्से में पहुँचते हैं जहाँ आकर लगेगा कि आप रिजॉर्ट में हैं या किसी जंगल में, और यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, साथ ही वाटरफॉल भी देख सकते हैं। वैसे ट्रैवलिंग का अपना ही मजा है और अगर ये सस्ते में हो तो क्या बात हो। और मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग्स के लिए यूज करता हूँ वीगो ऐप का। वीगो ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है जिसकी सर्विसेज कई लैंग्वेजेस और करेंसीज में अवेलेबल है, और ये इंटरनेशनल फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए भी काफी हैंडी है। वीगो हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट और होटल बुकिंग वेबसाइट को कंपेयर करके चीपेस्ट फेयर को शो करता है, जिसमें आप कई फ्लाइट और होटल बुकिंग वेबसाइट पर डायरेक्ट वीगो से बुक कर सकते हैं। और न्यू वीगो ऐप पर आप फन एक्टिविटीज और IRCTC की ट्रेन बुकिंग भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी डाउनलोड करें वीगो ऐप, और अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसको अपडेट करें जिसमें आपको बहुत सारे नए और अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ हर तरफ चारों तरफ जो रिजॉर्ट है, मेन जो बिल्डिंग है वो पीछे ऊपर है काफ़ी, और उससे नीचे काफ़ी आते हैं तब ये केव रूम वाला एरिया आता है, और यहाँ पर आप फोटोग्राफी वगैरह फोटोशूट वगैरह भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। 3,000 रुपये मात्र लगते हैं और इसका एक्सेस मिल जाता है। तो आप ये देखो कितनी बढ़िया खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। हर चीज़ एकदम मतलब नेचर के करीब आप अपने आप को महसूस करोगे यहाँ पर, क्योंकि है ही वही ये नेचर रिजॉर्ट। और अभी इधर आ गए हम लोग वापस, और ये रहा वाटरफॉल। परक्कट नेचर रिजॉर्ट के इस एरिया में एक केव रूम है जिसकी तरफ अब मैं जाने वाला था। तो भाई अब जो रूम आप देखने वाले हो, इसके बाद आप अपना हनीमून प्लान करने के लिए फॉरेन वगैरह नहीं जाओगे। आ जाओ अंदर भाई। तो रूम के अंदर एंटर करते हैं, शायद आपने कभी नहीं देखी होगी इस तरह के रूम। तो ये रहा वो रूम, लेकिन इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है यहाँ पर। सबसे पहले ये पूरी आप सराउंडिंग्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा बेड, ये रहा इधर सोफा, और आप यहाँ का देखिए लाइटिंग्स कितनी अच्छी है, और लग रहा है केव में, पूरा केव में ये रूम को बनाया गया है। इधर आते हैं अगर आप तो ये देखेंगे इधर बाहर का पूरा व्यू, जैसा कि इस जगह का नाम है और साथ में जुड़ा है नेचर रिजॉर्ट। तो प्रकट नेचर रिजॉर्ट किस लिए है, आप नेचर के बीच रहते हैं और यहाँ तक आप आते हैं
तो इस जगह को जब आप एक्सेस करते हैं, मतलब एक्सेस क्या, यहाँ पे अगर रूम बुक करते हैं आप, तो आपको बहुत कुछ मिलता है। इस जगह बहुत ही आपके लिए रोमांटिक प्लेस है, वो मैं आगे दिखाता हूँ, पहले इधर आते हैं। आपका अपना खुद का जब आप बुक करते हो तो ये पूरा जंगल एक तरह से पूरा नेचर के बीच आप रखते हो, कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है, सारा ये असली नेचर है। वाटरफॉल देखने को मिलता है यहाँ पर, और मतलब वर्थफुल भी रहेगा। अभी रेट में आपको यहाँ की प्रॉपर्टी का बताऊंगा तो आप कहोगे कि वाकई में वर्थफुल है। आते हैं एक और प्लेस जो मोस्ट रोमांटिक प्लेस है, अगर आप हनीमून वगैरह के लिए आ रहे हैं, दुनिया भर की जगह आप जाते हैं, मालदीव्स एंड ऑल जगह पे जाते हैं, तो कुछ ऐसा या इससे कम ही मिलता है यहाँ पर। ये जो पूरा है ये है वॉशरूम, वॉश बेसिन है, इधर कमोड है, इतना बड़ा सा ऐसा ही था देखो, और ये देखो आप शॉवर है नहाने के लिए, कितना बढ़िया सा यहाँ पे बना हुआ है। और इस पे अगर आप आते हैं तो मतलब पहली बार तो आप केव में है पूरा, और यहाँ पे है आपका अपना प्राइवेट वाला जकूजी। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं और यहाँ पे शॉवर लगा हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हैं रोमांटिक सीन कैसा बन सकता है, क्या चीजें है यहाँ पे। सो बहुत ही ये आपके लिए जो प्रॉपर्टी है, ये रूम है जो केव रूम, यहाँ की जो सबसे सुपर डुपर वाली आपके लिए प्रॉपर्टी है वो ये है। और यहाँ पे आपको मतलब रोमांटिक वाला फील भी आएगा, और अगर बच्चों के साथ भी आ रहे हैं तो वो फैमिली की वो वाइब्स और सब चीज मिलेंगी, मतलब हर चीज यहाँ पर है। और सच में ऐसी प्रॉपर्टी मैंने खुद भी आज तक नहीं देखी है, तो ये कह सकते हैं कि भाई भविष्य में यहाँ पे मिलेगा नहीं। और ऐसे यहाँ पे केवल दो रूम इस तरह के हैं। सो जितना जल्दी हो, अगर आप प्लान कर रहे हैं हनीमून वगैरह का, तो मैं तो कहता हूँ मन्नार में आप आओ, मन्नार में यहाँ पे घूमो, यहाँ पे स्टे करो, और बाकी देख ही रहो, बताने की जरूरत नहीं है। रिजॉर्ट का एंट्री पॉइंट बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया है, जो खूबसूरत दिखने के साथ ही लग्जरी भी दिखता है, और जहाँ आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। रिजॉर्ट के अंदर जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले ये पड़ता है रिसेप्शन का एरिया, इसको रिसेप्शन कहेंगे या फिर इसको पूरा हॉल कहेंगे। तो बहुत बड़ा रिसेप्शन का एरिया है जहाँ गणेश जी हैं, हमारे कई सारे भगवान हैं, हाथी का स्ट्रक्चर है, और बहुत प्यारा लगता है, बड़े बड़े यहाँ पे झूमर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, उतने में ही आपको समझ में आइडिया लग जाएगा कि ये कैसी जगह है। बाकी अंदर चलते हैं, सब दिखाते हैं, बहुत कुछ है, पूरी वीडियो आप देखना, बहुत कुछ है अंदर यहाँ पे। परकट नेचर रिजॉर्ट का जो सबसे हॉट और सबसे बेस्ट रूम है वो है पूल विला का। नाम से आपको आइडिया तो लग गया होगा कि अंदर क्या होगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करके मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, पहले आप देख लो स्टार्टिंग से क्या है, थोड़ा होनी चाहिए ना एक्साइटमेंट। सो ये रहा रूम, जैसे ही आप एंटर करते हो, ओपन करते हो दरवाज़ा, तो ये रहता है आपको सबसे पहले रूम दिखता है, एयर कंडीशन रूम है, और व्यूज़ वही टी गार्डन्स वाले हैं। इसको मैं आगे दिखाता हूँ आपको, और बेटर दिखेगा। इस रूम के लिए ये फर्स्ट रूम है, इस रूम के लिए यहाँ पर ये रहा पूरा वॉशरूम। वॉशरूम में मतलब इसको देख के आप कहोगे ये तो एकदम अलग डिज़ाइन का बनाया गया है। और ये है यहाँ का शॉवर, शॉवर अगर देखोगे तो आपको बहुत ही अलग सा ऐसा मैंने भी नहीं देखा है। फिर उसके बाद ये रहा एक और डोर, इसमें हम आते हैं, और यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हो फैमिली रूम है, और कपल हैं तो भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 3-4 लोग बैठ सकते हैं, और पूरा लग्जरी वाला है, अगर कपल है एक साइड इधर बैठ सकते हैं, पर क्यों अलग बैठेंगे, आते हैं और इधर। सो इस तरफ अगर आप आते हैं तो ये रहा बड़ा सा आपका बालकनी अगेन, और बढ़िया सी चेयर यहाँ पे रिलैक्सिंग वाली लगी हुई है, और यहाँ से वही टी गार्डन वाला व्यू दिखता है। और इसके बाद ये अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो इधर आप लोग मत देखना, थोड़ी देर बाद आप लोग को दिखाऊंगा मैं। इधर आते हैं सीधे हम लोग, और ये रहता है यहाँ का मास्टर बेडरूम, और ये है शानदार वाला, मतलब
यहाँ पे आपको ये लगेगा कि कैंडल्स जल रही हैं, इस तरह से केटली वगैरह भी लगी है और इस तरह से ये डेकोरेशन किया गया है। और इधर अगर आते हैं, बड़ी सी टीवी, सबसे पहले अगर आप इधर देखेंगे तो ये बड़ी सी टीवी, बैठ के मस्ती से देखें टीवी। और ये कहाँ से खुलेगी, ओके, बड़ी अच्छा, इधर से ओपन होगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक बार मैं पूरा दिखाऊँ आपको, तो ये बीच में अच्छा मतलब हाफ हाफ ओपन नहीं होगा। बाय द वे, ये अगर आप देखोगे अगेन, आपको मतलब इन व्यूज़ के साथ यहाँ पर बेडरूम में आपकी सुबह होगी, शाम होगी। ओके, फिर इसके बाद अब आते हैं मेन जगह पे, आ जाओ। सो ये रहा वो जगह, पूल एरिया, पूल विला है ये, और इसमें सेपरेट आपके लिए पूल है, तो मतलब बच्चों फैमिली के साथ भी अगर आप आते हैं तो सब मस्ती करेंगे इसमें, और नहाओ चाहे मस्ती करो। लाइटिंग्स वगैरह काफ़ी है यहाँ पर दी गई है, और बहुत मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा ना, अगर आप यहाँ पर रहोगे तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं अगर यहाँ के वॉशरूम पे, यहाँ पे वॉश बेसिन है, चूँकि पूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉयलेट के लिए अलग बनाया गया और बाथरूम अलग है। टॉयलेट आप देखो भाई, कमोड ऐसा है डिज़ाइनर टाइप का, लग रहा है कि जैसे वो सूट बूट पहन के बैठा हुआ है, जैसे वो रणवीर सिंह पहनता है ना, उस टाइप में कुछ। और इधर आप आते हो तो ये भी है, ये पूरा बाथरूम है। तो ये है यहाँ का पूल विला, और सबसे हॉट प्रॉपर्टी है यहाँ की, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसमें आए रुके, इसका एक्सपीरियंस ऐसा होगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे, और बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पर स्टे करने में। इसका क्या खर्चा है, चार्जेस हैं, हर एक चीज़ बताऊंगा मैं आगे। यहाँ जगह जगह स्पॉट्स बने हैं जहाँ आप ढेरों पिक्स क्लिक करवा सकते हैं, और किसी पार्टी या इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यहाँ पर पूरे अरेंजमेंट हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ पर प्लेइंग एरिया का अरेंजमेंट किया गया है। इस रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल भी है, और अगर पूल का आनंद लेना चाहते हैं तो ये एरिया आपके लिए है। तो अगर आप पूल विला नहीं कर पा रहे हैं तो भाई पूल तो है ही यहाँ पर, एक्सपीरियंस इसका भी लें, और यहाँ पे भी मज़ा आएगा। अगर आप देखो इधर का व्यू पूरा टी गार्डन्स का है, ओपन व्यू है यहाँ पर, और अभी क्लीनिंग चल रही है यहाँ पर। सो अगर ये आप देखोगे, बहुत सुंदर सा पूल बनाया, मौसम आप देखो कितना लाजवाब है। ये पूरा ये रिजॉर्ट की बिल्डिंग है, और इधर पूल है, और इधर आपको शानदार व्यू देखने को मिलेगा। नीचे भी आप वहाँ पे गेमिंग एरिया है बच्चों के लिए, आप देख रहे होगे वहाँ पे स्लाइडर्स वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी आप आराम से पार्टी वार्टी कर सकते हो, ऐसा एरिया बना है, और प्यारे से व्यूज़ के साथ। सबसे खास चीज़ व्यूज़ बहुत शानदार है यहाँ पर, और रहने का यहाँ पर स्टे का आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही लग्जरी वाला होगा। इस रिजॉर्ट में मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा, तो आप बस बोलोगे वाह क्या प्लेस है भाई, यहीं पे रुकना है। तो शुरू करते हैं शुरू से, इसको बाद में दिखाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, और उधर भी है कुछ। सो सबसे पहले ये सोफ़ा है, और ये पूरा एरिया है जहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है, फ्लोर भी काफ़ी चमकती धमकती सी बढ़िया सी है। और अब आते हैं इस प्लेस पे, ये रहा बेड, ये 360 डिग्री वाला बेडरूम है और स्पेशल रूम है यहाँ का। बाकी एसी आप देखेंगे यहाँ लगा होगा, हालांकि यहाँ पे ठंड रहती है पर फिर भी लग्जरी है, तो वही एसी तो देंगे ही ना। सो यहाँ पे ये बड़ा सा मिरर होगा, और ये प्यारा सा बेड आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब आते हैं वॉशरूम में। सो वॉशरूम अगर आप देखोगे सो कुछ इस तरह का है, यहाँ पर ग्लासेस लगे हुए हैं, यहाँ पे टॉयलेट्रीज रखी है, और इधर अगर आप आते हो तो ये आप देखो बड़ा सा वॉश बेसिन, इसके अंदर देखता हूँ कुछ है नहीं, अभी ये तो शायद ड्रेनेज वगैरह के लिए है। बाय द वे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी कुछ टॉयलेट्रीज मिली हुई है, ब्रश है, शेविंग किट है, सैनिटरी बैग है, शॉवर कैप है, बाकी हैंड वॉश वगैरह है। सो यहाँ पे आते हैं,
वापस से, ये एरिया बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और इसमें भी देखते हैं, ये आप देखो यहाँ पे मिला हुआ है, ये बाथ गाउन है और साथ में हेयर ड्रायर मिला हुआ है। और ये आपकी लॉन्ड्री वगैरह के लिए प्राइसेस हैं, जो कि शर्ट टी शर्ट के लिए 70 रुपीज़ है, वॉशिंग के लिए 35, प्रेसिंग के लिए अलग अलग है इसकी भी प्राइस। अब चलते हैं यहाँ के बालकनी में। सो बालकनी का एरिया है पूरे टी साइट का व्यू। रिजॉर्ट के आसपास में कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं और यहाँ पर और भी कई कैटेगरी के रूम्स हैं, जैसे हनीमून स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, इवन कम बजट के रूम्स भी हैं। लेकिन सारे रूम्स दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो सभी रूम्स की कैटेगरी के साथ प्राइसिंग डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।